बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 24 टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम क्या है? एक कम्युनिकेशन डिवाइसेज आपने पढ़ी थी, उनके थ्रू किसी के पास पैगाम भेजने के लिए दरमियान में जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। मीडिया जो हमारे पास है ट्रांसमिशन, वो कहते हैं मीडियम इज अ फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ ये एक क्या है? फिजिकल पाथ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया हमारे पास फिजिकल पाथ, ठीक है। दैट कनेक्ट अ सेंडर, इसके साथ सेंडर जुड़ा होता है और जुड़ा हुआ होता है रिसीवर, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ये मैंने फिगर बनाई है, नजर आ रही होगी आपको। इट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा यानी कि मवाद को एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसमिट करते हैं, हमें दरमियान में क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम वो होता है जिसके जरिए आप किसी भी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। अब ये तो हो गया, अब इसके अंदर हमारे पास ये सेंडर है, ठीक है। ये सेंडर है, इसके पास एक रूल वन है, रूल टू है, इनके रूल है, ये प्रोटोकॉल है, ये मैसेज, ये हमने जो मवाद भेजा यहाँ से चला चलते हुए और वो यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर भी प्रोटोकॉल मौजूद है, रूल है, रूल वन है, आर टू है, इनके रूल टू है। अब वो कहते हैं जो मीडियम होता है यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए मैसेज, ये वाले जैसे ये वायर है, तो वो कहते हैं कि कॉपर वायर को भी हम मीडियम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक आपको पता है, आपने क्लास में पढ़ा है फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। केबल यानी कि तार, एक तांबे वायर, कॉपर वायर, तांबे की तार, ठीक है। ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव, छोटी लहरों के जरिए, ठीक है, छोटी सी लहरों के जरिए हम एक अपना मैसेज दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके लिए हमें दरमियान में क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम एक कॉपर भी हो सकता है, एक फाइबर ऑप्टिकल होती है, जो एक तार भी हो सकती है जो एक जगह से दूसरी जगह आपकी बात पहुंचा रहे, वो हमारे पास मीडियम होता है। अ डिवाइस में भी यूज अ मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम। एक डिवाइस बहुत सारे चैनल को इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आपके मोबाइल है, मोबाइल में आप एक ही टाइम में 3G इस्तेमाल कर सकते हैं, 4G और LTE। इसका मतलब है आप अपने नेटवर्क को, इंटरनेट को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, 4G में, 3G में, इन सब के अंदर आप कन्वर्टेशन कर सकते हैं। ये इसके अंदर डिवाइस के अंदर सलाहियत होती है। अब वही नेटवर्क को वो 3G में ले, उसी नेटवर्क को 4G और उसी नेटवर्क को LTE, भी 4G 5G की तरह होता है। अब आगे हमने जो बात इसके अंदर बताई थी वो यही थी कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपका मैसेज पहुंचा दे बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जाता है हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1। अब हमारे पास ये एक वायर है, इसके अंदर ये डाटा ट्रेवल होता यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर हम फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक में ये एक केबल है, तो इसके अंदर एक क्या ग्लास डले हुए हैं, बहुत सारे ग्लासेस डले हुए हैं। तो ये एक लाइट यहाँ चलती है जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और वो फॉरन लाइट यहाँ पर चलती है, यहाँ से यहाँ पर, ये चंद सेकंड के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन होती है या जो आपके पास डाटा होता है वो फॉरन अगली साइड पर, जो आगे आपके पास रिसीवर है वहाँ तक पहुँचा जाती है फाइबर ऑप्टिक। बाकी कॉपर वायर है, ये आम वायर की तरह होती है, इसके अंदर भी आप अपनी बात को आगे से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपने बनाना है और ये वाली डायग्राम भी आपने बनाकर भेजनी है। अगर कोई मसला हो तो हमें आप WhatsApp के थ्रू बता सकते हैं। आप जल्दी से ये